हे गाइस वेलकम टू द न्यू वीडियो। और आज का दिन भाई बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है मेरे लिए। टाइटल में तो आप लोगों ने पढ़ ही लिया होगा कि क्या होने वाला है, क्या है वीडियो, व्हाट्स इट अबाउट। बट आज नहीं बनवाने वाले, आज वो टैटू नहीं बनवाने वाले, बिकॉज आज हम सिर्फ डिसाइड करने वाले कि भाई कौन सा टैटू कैसे इम्प्रोवाइज होगा बॉडी पे। मेरे माइंड में है कौन सा वाला टैटू करवाना है, और वो टैटू को देखते ही मुझे पता चल गया भाई अभी करवाना है मुझे। मैंने सोच रखा था कि थोड़ा टाइम बाद करवाऊंगा, बट वो टैटू को देखा जैसे ही भाई मेरा मन बन गया कि भाई बस अभी करवाना ही है। तो उसको अभी सिर्फ डिसाइड करने जा रहे हैं इम्प्रोवाइज कैसे होगा बॉडी पे, कुछ अलग करना है थोड़ा उसमें, तो वो सब देखेंगे। तो उसके लिए डिसाइड करने जा रहे हैं स्टूडियो पे, मेरा दोस्त का ही स्टूडियो आपको दिखाता हूँ मैं। और बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैं, क्योंकि मेरा इट इज़ द फर्स्ट टाइम दैट आई एम गेटिंग इंक, और बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही है। और ये टैटू के लिए पर्सनली बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है, क्योंकि यार दिल के करीब है, किसी बंदी का नाम नहीं है, बट बहुत ही ज़्यादा दिल के करीब है। सो आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आए। एंड में आपको पता चली जाएगा कैसा टैटू है, बट एंड में स्किप मत कर देना यार प्लीज़, क्योंकि फिर एल्गोरिदम का यार प्रमोट नहीं करता वही सीन। तो देखना, थोड़ा ही इतना लंबा नहीं करने वाला मैं वीडियो को, तो देखना एंड तक पूरा देखना। और पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब। तो गाइस पहुंच चुके हैं भाई सूरत में, किसी को करवाना है भाई इधर ही आना, मैं दोस्त का ही है, भूलना मत भाई। इधर से डिज़ाइन डिसाइड होगी, इस बार हमारे डिज़ाइन डिसाइड करेंगे, लेट्स सी क्या करते हैं। तो भाई लोग डिसाइड हो चुका है, ऑलमोस्ट बोल सकता हूँ कि डिसाइड हो चुका है, क्योंकि थोड़ा बहुत डिजाइनिंग वो अपनी खुद की डालने वाले है उसके अंदर। मैं बताने नहीं वाला हूँ कि कौन सा है, अभी भी नहीं बताऊंगा। तो जब भी वो बन जाएगा तो उसके लिए टेस्टिंग करेंगे कि भाई कैसा लग रहा है हाथ पे, उसके बाद फाइनल रिजल्ट पे आएंगे। तो अभी सीधा मैं टेस्टिंग का नहीं दिखाऊंगा, सीधा अभी फाइनल टैटू जब ड्रॉ करना आऊंगा तभी का दिखाऊंगा, तो तब तक का वेट कर लो। सिया भाई इधर आए और सीधा भाई इनका नए शूज कितने के सर, क्या शूज जरा बताइए ऑडियंस को, कितने के अमीर लोग हैं भाई, कितना टैटू से कमा सकते हैं लोग बताइए भाई 13,000 के शूज है, नहीं 16,000 के भाई, 3,000 कम बोल दिया मैंने। बताओ भाई, अनबॉक्सिंग चल रहा है, खोला नहीं है अभी तक नया। अरे भाई लकी आई एम, अंदर मेरा बॉक्स है सर, जो ये अब मजा आएगा ना, अब भाई पीआर पे पीआर डालेंगे डेडलिफ्ट स्क्वाट। ओ भाई कड़ाक मटेरियल तो दे भाई साहब, कॉन्ग्रेचुलेशंस माय मैन, थैंक यू गाइस। एक लोचा हो गया है, जो डिजाइन हम लोगों ने डिसाइड की थी वो डिजाइन हाथ पे इतनी बेटर नहीं लग रही थी, तो उसकी वजह से हम लोगों ने पूरी डिजाइन ही चेंज कर दी। और डिज़ाइन चेंज करने में बहुत टाइम लग गया, क्योंकि जो फोटो दूसरा चूज़ किया था उसमें से स्केचिंग करना थोड़ा टाइम लग गया, तो तब तक मैं उधर ही बैठा था। तो उसके लिए सुबह दोपहर शाम को गया था और रात को वापस आया हूँ, तो समझ लो कितना टाइम गया। बट डिसाइड हो चुका है, कल पिक्स है, कल करवाना है भाई। परमानेंट टैटू है यार, ऐसा थोड़ी है कि भाई थोड़ा टाइम में निकल जाए, परमानेंट टैटू है, समझना नहीं है, तो वो एकदम सोच समझ के ही करना है, कोई ऐसा जल्दबाजी में नहीं करना है, जितना हो सके प्रॉपरली करो, कोई रिग्रेट नहीं होना चाहिए भाई। लोग फाइनली वो दिन आ गया, वो रात आ गई जब हाथ पे काम चालू हुए। ये रहे हमारे मास्टर फॉर द वर्क, हमारे राइजिंग सुपरस्टार फैनिल भाई। और किसी को भी अगर टैटू करवाना है भाई, इनको डीएम करना, मैं इनका इंस्टाग्राम लिंक पे डाल दूंगा,
किसी को भी सूरत में से करवाना हो तो, या तो फिर वहाँ बाहर से भी करवाना हो तो इनके पास, या तो फिर मुझे डीएम कर देना या तो फिर इनको डीएम कर देना, ठीक है। बाकी वर्क आप देखोगे लास्ट में भाई, पता चल जाएगा कितना ज़बरदस्त वर्क है। तो लेट्स सी, अभी तो पहले तो भाई नर्वस फील हो रहा था कि भाई लगेगा कुछ, लगेगा चुभेगा, बट कुछ ऐसा हो नहीं रहा, फील नहीं हो रहा, अच्छा लग रहा है, चल रहा है। फैनल भाई, ऑडियंस को थोड़ा क्वेश्चंस के आंसर्स चाहिए कि कौन सी उम्र में लाइक टैटू करवाना चाहिए, व्हाट इज द मिनिमम एज। एज उसमें मैटर करती है बहुत ज़्यादा, क्योंकि लाइक 18 साल के बाद के आपको खुद को मैच्योरिटी लेवल आती है लाइक। अच्छा, उससे पहले अपने खुद को पता नहीं होता है कि लाइफ में ये क्या रहता है, लाइफ टाइमिंग है। तो 18 साल के पहले खुद को पता नहीं चलता है, खुद डिसीजन नहीं ले सकते कि एग्जैक्टली अपनी बॉडी के ऊपर अपने को रखना क्या है। अच्छा, मतलब कोई कुछ भी करवा करवा दे ऐसा। हाँ बराबर, मतलब कोई भी एज में करवा तो सकते हो, बट फिर मैच्योरिटी ना हो तो कुछ भी ड्रॉ करवा दो ऐसे। बराबर बात है। और वो लोग जो अपनी मतलब पार्टनर का नाम लिखवा देते हैं और वो सब, मतलब एक दो साल का रिलेशन होता है उसमें ही नाम लिखवा देते हैं, तो उस पर क्या कहना चाहते हो? वो चीज़ तो मेरे स्टूडियो पे जो भी आता है वो मैं उसको तो मना ही करता हूँ, नाम वगैरह मैं उतना ज़्यादा किसी को करके नहीं देता हूँ। पहला मेरा उनको सजेशन यही रहता है कि नाम वगैरह मत करवाओ, कभी भी मत करवाओ, लाइक शादी के बाद भी मत करवाओ। वही एक्चुअली, क्योंकि फिर डिवोर्स होता है तो भाई हालत ख़राब हो जाती है। मेरा 10 साल का एक्सपीरियंस है तो मुझे ये सब बहुत बहुत, मैं तो ये सब फेस कर चुका हूँ कि बराबर कुछ रिमूव करवाने के लिए आते हैं, कवर अप करने के लिए आते हैं। आना है तो भाई सिंपल कोई भी और टैटू करो, नाम वाम लिखने के झंझट में मत पड़ो, हालत ख़राब हो जाएगी। इनका एक्सपीरियंस बोल रहा है कि भाई बहुत लोग, कितने लोग रिमूव, मतलब 50% लोग आ जाते हैं रिमूव करने, जितना भी उतना ज़्यादा तो नहीं बट 20-30 रहता है। अरे भाई क्या कर रहे हो यार। और सबसे मेन क्वेश्चन भाई फैनल भाई, ब्लड डोनेशन के बारे में क्या सोचना है, लाइक इसके बाद करवा सकते हैं कि नहीं, कैसे करवा सकते, अगर करवा सकते हैं तो कैसे करवा सकते, कितना टाइम रुकना पड़ता है, ऐसा कुछ होता है क्या? जी, लोग ऐसा सोच रहे हैं कि टैटू करने के बाद लाइफ टाइम ब्लड डोनेट नहीं कर सकते। ऐसा कुछ होता तो गवर्नमेंट ये टैटू फील्ड पे ही बैन लगा देती। सच्ची बात है, टैटू पूरी हाइजीन प्रोसेस से किया गया है तो आप एक महीने के अंदर भी करवा सकते हो, लेकिन गवर्नमेंट रूल्स ऐसा रखा है कि 3 मंथ के बाद आप डोनेट कर सकते हो। 3 मंथ्स? मैंने तो 6 मंथ सोचा था। 6 मंथ नहीं है, 3 मंथ। ओके नाइस। देखो मतलब ये पता नहीं कहाँ से रूमर फैला हुआ है कि भाई टैटू करवाने के बाद आप कभी भी ब्लड डोनेशन नहीं करवा सकते, ऐसा कुछ भी नहीं होता। लाइक ऐसा होता है कि ब्लड लाइक कुछ ऐसा प्रॉब्लम आए टैटू कराते समय तो ऐसा हो सकता है कि भाई ब्लड, ऐसा कुछ होता है? नहीं, ये गवर्नमेंट रूल्स क्यों रखा है, मे बी कि हर कोई प्रोफेशनल आर्टिस्ट नहीं है, लाइक कोई किसी के पास भी ट्रेनिंग नहीं लिया और डायरेक्टली सर्टिफिकेशन सर्टिफाइड नहीं है और वो डायरेक्टली स्टूडियो ओपन करके टैटू बना रहा है तो उसको प्रॉपर नॉलेज नहीं है कैसे वर्क करना है, कैसे नहीं करना, हाइजीन प्रोसेस क्या रहती है, तो वो सब की चीज़ की वजह से शायद गवर्नमेंट ने ऐसा रूल्स रखा है कि। तो भाई सिंपल है, कोई अगर आप किसी के पास करवा रहे हो तो प्लीज़ पहले चेक करो कि भाई सर्टिफाइड है और प्रॉपर वे में कर सकता है कि नहीं, ऐसे ही मत कूद जाओ कि एक्साइटमेंट में भाई कुछ भी चालू कर दो, ठीक ढंग की जगह पे करवाओ तो ढंग का होगा, सेफली होगा, ब्लड डोनेशन भी कर पाओगे, सिंपल है। तो रूमर्स में बिलीव मत करना। इधर गाइस, इधर हम लोग माखी पकड़ रहे हैं। हाँ गाइस, ये भाई को पेंसिल माखी पकड़ने के लिए बुलाया, पकड़ने के लिए मैं रखा।
दी एंड और एग्जॉस्ट हो चुकी है बॉडी, आपका क्या हाल है? Yes, मैं तो फर्स्ट क्लास हूँ भाई। मतलब एनर्जी इनकी देखो भाई, मैं मतलब जिस जो टैटू कर रहा है उसकी एनर्जी फुल है, जो टैटू करवा रहा है उसकी हालत ख़राब हो गई। फाइनली 5.5 घंटे के बाद फाइनली कंप्लीट हो चुका है आज पूरी। ओपी एकदम टैटू, आपको भाई कैसा लगा भाई सच में बताना कमेंट सेक्शन में कैसा लगा। और किसी को भी करवाना है भाई मुझे डीएम करो, मैं आपको कांटेक्ट दे दूंगा, इनका ही दूंगा, दूसरा किसी का नहीं दूंगा, क्योंकि भाई एक्सपर्ट है और बेस्ट है इस वर्क में। और मुझे नहीं तो डायरेक्ट मैं जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ उनका इंस्टाग्राम का, उनको जाके डीएम करो, अपॉइंटमेंट बुक करो, फटाफट करो, बहुत ही ओपी। लगभग सुबह के 6:30 बजने वाले, और दो तीन मैं मतलब वीडियो एंड करने वाला था, बट उन्होंने जो दो तीन बातें बताई मुझे कि भाई इतने प्रिकॉशंस लेने होते हैं, तो मैं आपको लोगों को भी बताना चाहता हूँ कि अगर आप टैटू करा रहे हो तो उसके बाद क्या प्रिकॉशंस लेने हैं 15 दिन तक, ताकि टैटू प्रॉपरली एकदम खिल के बाहर आए। तो सबसे पहली बात तो टैटू कराओ, उसके बाद तुरंत ही आपको ये रैप लगा दिया है मेरे पे, अभी घर पे जाके सीधा ये रैप निकालना है, उसके बाद डव सोप जो मेरे घर पे था नहीं तो अभी ये लेने आया था, अपोलो अभी 24/7 वाली खुली थी तो उससे लूँगा, थोड़ा बहुत फोम करके इसको साफ़ करना है, और उसके बाद एक क्रीम दी है उन्होंने, या तो फिर आप लोशन भी लगा सकते हो, वो लोशन लगा के सो जाना सिंपल। और उसके बाद 15 दिन तक वर्कआउट बंद है, 15 दिन तक बंद है यार, कोई ना वापस बना लेंगे बॉडी, उसमें क्या है 15 दिन तक देखते हैं, बट 15 दिन तक बहुत ही ओपी वीडियो आने वाला है, क्योंकि मैं लाइक नॉन डाइट नॉन जिम वाले वीडियोस डालने वाला हूँ, तो स्टे ट्यून। उसके बाद 15 दिन तक कोई हैवी चीज़ें नहीं उठानी है, जितना बने हो सके उतना रेस्ट देना है, लाइक एक्टिविटी तो जो नॉर्मल करते हो वो तो करनी ही है, बट हैवी लिफ्टिंग नहीं करनी है, हैवी कुछ भी नहीं उठाना है घर पे, जिम में तो करना ही नहीं है। और दूसरी चीज़ कपड़ा ऐसे ज़्यादा रगड़ना नहीं है, लाइक उस पर रगड़ना नहीं चाहिए, वो सब चीज़ों का ध्यान रखना है, और क्रीम लगाते रहनी है 3-4 बार, तो इतनी प्रिकॉशंस रखनी है मुझे ताकि एकदम टैटू जोरदार दिखे, प्रॉपर दिखे, वरना फेड आउट हो जाएगा, मतलब नहीं है, मज़ा नहीं आएगा। लेट्स सी कैसा आता है, 15 दिन के बाद वापस दिखाऊंगा आपको, तब तक यार थैंक यू सो मच फॉर अभी तक इधर तक रहो, तो भाई थैंक यू सो मच, और सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।